आइए अनबॉक्सिंग देख लेते हैं ZTEL कंपनी के इंटरव्यू माइक्रोफोन का। जैसे कि फ़ोटो में दिखाया सब में चलेगा और ये मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट है और कहीं भी MRP नहीं दी गई है। लगभग 1500 से 2000 के बीच मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। तीन मॉडल आते हैं हमारे पास, पहला वाला ही है अभी, तो देख लेते हैं अंदर। और सबसे पहले इसका लीड जो सबसे ज़रूरी है, और ये बैटरी भी मिलता है साथ में, और ये हमारा मेन माइक। माइक को भी देख लेते हैं, कुछ इस तरह का है, नॉर्मल माइक जो होता है उसी में थोड़ा लंबा डिज़ाइन दिया गया है, और इसका ऑन ऑफ बटन नीचे दिया गया है, थोड़ा अलग है ये। तो ये कुछ नीचे से खुलेगा और इसी में ऑन ऑफ बटन दिया है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब देखेंगे फिर इसको चला के कि कैसा काम करता है ये। बार बार खोलने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, और यहाँ बैटरी लगाने का दिया है, और मेरे हिसाब से शायद मोबाइल में या लैपटॉप में बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमको। और अच्छा है, वज़न भी थोड़ा अच्छा है, और यहाँ XLR लगाने का दिया है। ये साइज है इसकी, अच्छी लंबी है ये, और सामने से कुछ ऐसा दिखता है, बढ़िया है, और पकड़ने में भी अच्छा ही लग रहा है। और ये जो माइक आईडी है इसमें ऐसा लग जाएगा, हाँ इसी तरीके से लगेगा, कुछ इतना घुस जाता है ये। ऑन ऑफ बटन जो है थोड़ा दिक्कत कर रहा है लगने में, हाँ ये देखिए ये इतना घुस जाएगा, और ऑन ऑफ बटन नीचे में भी आ जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा। आप चाहें तो थोड़ा और कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे से काट के आप और कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा लगेगा आपका आईडी। और इसको भी फटाफट से लीड को देख लेते हैं, जो कि अब मेन हथियार है। ये जो पिन है तीन रिंग वाला, यही आपके मोबाइल में काम करेगा, ये सबसे ज़रूरी है अगर मोबाइल में कोई लीड काम करेगा तो। अब मैं इस माइक के ऊपर का हिस्सा जो है उसको खोल के दिखा देता हूँ आपको, देखते हैं कुछ कैसा पैकिंग या माइक लगा हुआ है। वो माइक दिख ही नहीं रहा, उसके अंदर है, अच्छा है, गिरे गिरेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट से इसको लगा लेते हैं, फिर इसको चला के देख लेते हैं कि इसमें से कैसी आवाज़ आ रही है। फटाफट से लीड कनेक्ट कर लेते हैं और सुन लेते हैं। तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या नाम है इस माइक का मैं तो भूल ही गया, ZTEL इंटरव्यू माइक्रोफोन से। तो मेरे हिसाब से अच्छा ही आवाज़ आ रहा होगा, और वैसे भी मैंने पहली बार देखा है कि इस टाइप का माइक को इसमें लगते हुए। इसमें आप ये वाला आईडी लगा सकते हैं, मैंने जानबूझ के थोड़ा दूर बैठा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कितना रेंज है। और लगभग 3 मीटर के आसपास इसका केबल होगा। हेलो हेलो। और मैंने इसके कंपनी वालों से भी बात किया, तो उन लोग कह रहे थे कि अगर अपन ज़्यादा लंबा वायर देंगे तो खींचने की क्षमता थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि मोबाइल में ज़्यादा पावर होता नहीं। और बढ़िया है, और भी बहुत सारे मोबाइल में इसको टेस्ट करेंगे। अब दूसरे मोबाइल में मिलते हैं। पहले अपना सैमसंग का कौन सा है, भूल गया मैं। चलो जब मेरे को लाल बटन दबा दियो तो जब मेरे को याद आएगा मैं इसका मॉडल नंबर लिख दूंगा। सैमसंग का ये मोबाइल है, तो इसमें भी अच्छा ही काम कर रहा है। आप देख सकते हैं मैं कितने दूरी में हूँ, इससे थोड़ा सा और दूरी ये जा सकता है बस। और बढ़िया, मेरे को उम्मीद है कि इसमें भी काम कर रहा होगा। फिर अब दूसरे कंपनी के मोबाइल में मिलते हैं। चलो तो अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं सैमसंग के A30 मोबाइल में, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मोबाइल में आ रही होगी आवाज़, क्योंकि सैमसंग के सभी मोबाइल में आवाज़ आती है। तो अब दूसरे मोबाइल में भी इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वीवो के V15 मोबाइल में। उम्मीद कर रहा हूँ इस मोबाइल में भी ये माइक काम कर ही रहा होगा, और ये भी एक अच्छा मोबाइल है, शायद इसमें भी ऑडियो कैच करेगा, क्योंकि पिछले बार भी हमने देखा था कि वीवो के मोबाइल में ये ऑडियो कैच करता ही है। तो इसको भी अपन सुन लेंगे, फिर अगले मोबाइल में मिलते हैं। तो अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं सैमसंग के S8 मोबाइल में। उम्मीद कर रहा हूँ कि इस मोबाइल में भी आवाज़ आ ही रहा होगा, क्योंकि पहले भी इसमें टेस्ट किया हमने, और सैमसंग के बहुत सारे मोबाइल में, लगभग सभी मोबाइल में आवाज़ अच्छी ही आती है। तो इसको सुन लेते हैं और फिर अगले मोबाइल में मिलते हैं। फटाफट से इसको लैपटॉप से भी कनेक्ट कर लेते हैं और सुन लेते हैं कैसी आवाज़ आ रही है। तो हमने इसको लैपटॉप से अभी कनेक्ट कर दिया है, और इसमें भी बैटरी नहीं लगाई है, ये डायरेक्ट ऐसे ही काम कर रहा है, मतलब बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लैपटॉप में लगाएंगे या मोबाइल में लगाएंगे तो। और लीड वही 3 मीटर की है, तो इसको भी थोड़ा सा दूर से टेस्ट कर लेते हैं ताकि लगे कि हाँ यही माइक यूज़ हो रहा है, क्योंकि लैपटॉप में भी तो माइक होता है। तो मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, ये डब्बा गिर गया।
मैं तकरीबन वहाँ तक आ चुका हूँ, दिख नहीं रहा हूँ क्या मैं। हेलो हेलो, तो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो, और लैपटॉप थोड़ी दूर है तो आप समझ रहे होंगे कि कितने दूर तक का मतलब वायर है लगभग, और है बचा है वायर 3 मीटर का, और बढ़िया है ये ले सकते हैं, और लगभग 1500 से 2000 के बीच आपके एरिया में ये अवेलेबल हो जाएगा। मेन ये पिन का ही खेल है, पिन कनेक्ट हो जाए बस एक बार तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अभी OBS ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ करके लैपटॉप से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अब दूसरे मोबाइल में भी टेस्ट कर लेते हैं। अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं सैमसंग के G2 मोबाइल में इस माइक को, और उम्मीद कर रहा हूँ कि इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो मेरे पास जो भी मोबाइल था मैंने सोचा सब में टेस्ट कर दूँ, तो अब फिर दूसरे मोबाइल में मिलते हैं। एम्पलीफायर से कनेक्ट करने के लिए हमने लीड चेंज कर दी है, हम XLR2 जैक यूज़ कर रहे हैं। इसको हम एम्पलीफायर से कनेक्ट कर लेते हैं और सुन लेते हैं कि इसमें से भी कैसी आवाज़ आ रही है। तो अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं इसको एम्पलीफायर से, कनेक्ट कर दिया है मैंने, जो आपने पहले देख ही लिया होगा कि मैंने कैसे XLR2 जैक लीड लगाया है, और बढ़िया इसमें भी ये काम कर रहा है। लेकिन इसमें हमको बैटरी लगानी पड़ी है, मोबाइल में और लैपटॉप में बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, तो बस बढ़िया ये इसमें भी काम कर रहा है। तो ये ऑलराउंडर है, बस लीड चेंज करनी पड़ी मुझे, इसमें XLR2 जैक लगाना पड़ा। तो आपने देख ही लिया है कि ये किन किन मोबाइल में काम करता है, स्पेशली सैमसंग के सारे मोबाइल में ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वीवो में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि वीवो के जो कम बजट वाले मोबाइल हैं, जो 10-11 हज़ार वाले मोबाइल हैं, उनमें ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। जो 15,000, 16,000, 20,000, 25,000 के मोबाइल है वीवो के, उसमें ये काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही। शायद कुछ इशू है पावर का या माइक को थोड़ा ज़्यादा ताकत चाहिए। और मैंने फिर रियलमी ओप्पो सब में टेस्ट किया, ये और किसी भी मोबाइल में काम नहीं कर रहा है, सैमसंग और वीवो में काम कर रहा है। और अभी हम लोग जिससे रिकॉर्ड कर रहे हैं जो है सोनी का मोबाइल, उसमें भी ये काम कर रहा है, सोनी के XZ1 में, और बस ठीक है। तो आप भी अगर कोई न्यूज़ रिपोर्टर या एंकर बनना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सैमसंग का मोबाइल लीजिए, ताकि कोई भी माइक इससे कनेक्ट हो पाए। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाय, फिर मिलेंगे दोस्तों। मास्क किधर है?